Ladies and gentlemen, happy Diwali, Shubh Diwali. Thank you. हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है 28 अक्टूबर और हम लोग जा रहे हैं दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करने। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे दिवाली को अभी टाइम है, हम अभी से क्यों दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोस्टली यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल होते हैं, इंडियन फेस्टिवल, वो सारे वीकेंड पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि वीकेंड पे सब लोग फ्री रहते हैं और फेस्टिवल इंजॉय करते हैं। आज दिवाली फेस्टिवल का टाइम 12 बजे से 7 बजे तक है और वहां पर बहुत सारे फूड आइटम होंगे और कल्चरल इवेंट भी होंगे। इवन मेहंदी और बहुत सारे दिवाली से रिलेटेड सामान भी वहां पर रहेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ दिवाली फेस्टिवल एंजॉय सकते हैं कि हम लोग अगर इंडिया में नहीं रहते हैं तो अगर कम्युनिटी में कोई दिवाली फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना होता है तो कैसे करते हैं नीदरलैंड में। तो आप सभी लोग दिवाली फेस्टिवल मेरे साथ एंजॉय करिए और वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए चलते हैं। और हम लोग पहुंच गए हैं और यहां पर दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। Nation, from Natch Nation to Natch to Bollywood Beats. Klopt. We hebben deze dansgroep al eerder gezien. Kan je nog herinneren die 18 kinderen met die chashma en die super gekleurde kleren? Yes. All the way from The Hague, they're back again. And they're going to perform something with an 18-meter-old sari dance thing. They are going to transport us to Maharashtra and they're going to dance the lami. Wow. Give me a chance.
people you see dancing on stage here, they're not Indian, but like they're from different countries. But they're dancing here at the Indian Diwali festival because they really love dancing and they really enjoy Indian culture as well. And as you can see, they really enjoy the dance that they're doing. और साइड में इंडियन फूड स्टॉल लगे हुए थे, फिर तो इंडियन फूड को देख करके हमें लगी जोरों की भूख और क्राउड होने की वजह से बहुत लाइन लगी हुई थी, तो हम भी लाइन में लग गए खाने के लिए। और ये जो स्टेज पर डांस कर रहे थे, ये लोग प्रोफेशनल डांसर होते हैं और ये लोग महीनों से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, तो डांस भी बहुत अच्छा ये लोग कर रहे थे। खाने का मन कर रहा है तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से लाइन में खड़े होकर के जलेबी या कुछ और खाएंगे स्वीट। अनवी आपको क्या चाहिए, क्या खाओगे? जलेबी एंड गुलाब जामुन। जलेबी एंड गुलाब जामुन, चलो फिर से लाइन में लगते हैं। Ladies and gentlemen, as you know, Diwali is a profound festival. It symbolizes the triumph of light over darkness and of good over evil. And that's important nowadays. Ladies and gentlemen, happy Diwali, Shubh Diwali. Thank you. Now, Mayor, you're definitely a rock star. Every year it keeps growing your fan club. It's the ambassador of the US to come and say a few words. Hi, everybody. Hello, everybody. My name is Shefali Razvan Dugal, the United States Ambassador to the Kingdom of the Netherlands. I am the first person of color from the United States to serve
as U.S. Ambassador to the Netherlands. I am a Kashmiri Pandit from Srinagar, born in Haridwar, UP. To a Punjabi. And I am showing all sides of myself. I'm wearing Western clothes in my birth country's colors of the Indian flag. The United States Embassy is so grateful to be here. Everybody enjoy yourself and happy Diwali, Namaskar, and I'm so excited to be with you all. Thank you. Don't worry, we're all with you. और अभी हम लोग जा रहे हैं घर और बच्चों ने इंडियन फूड बॉलीवुड डांस बहुत एंजॉय किया. हेलो, सो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और हमने दिवाली फेस्टिवल बहुत एंजॉय किया. जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, तो अभी इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूं. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए मेरी वीडियो को. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा दिवाली फेस्टिवल कैसा लगा. मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.